अध्याय चार। त्रिपुंड और भस्म की ऐसी महिमा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, आपने भस्म धारण करने की विधियां बताई, अब कृपा करके ऐसी कोई कथा बताएं जिससे पता चले कि भस्म की महिमा से कोई व्यक्ति मुक्ति पा गया हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, वामदेव नामक एक शिव भक्त काम क्रोध मोह लोह सबसे रहित था। वे सबको समदृष्टि से देखते, किसी से कोई वस्तु न लेते और सदैव मौन धारण करके शिवजी का ध्यान करते रहते थे। वो भस्म धारण करते और हर समय प्रसन्न रहते। उनकी परमहंस गति को देखकर सारे लोग श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते। एक दिन वो क्रौंचारण्य नामक एक वन में जा पहुंचे। उस वन में केवल भूत प्रेत ही रहते हैं। वहीं एक अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस भी रहता था। कोई भी मनुष्य भय के कारण वहां नहीं जाता था। वह ब्रह्म राक्षस अपने पापों से बहुत दिनों तक भूखा प्यासा था, इसलिए जब उसने वामदेव को वहां जाते हुए देखा तो उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन उस मुनि को कोई भय ना हुआ, वे चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। ऐसा देखकर ब्रह्म राक्षस उनसे लिपट गया और ऐसा सोचने लगा कि मैं उन्हें अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर खा डालूं। लेकिन जिस तरह चिंता मणि का स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है, उसी तरह शिव भक्त वामदेव को छूते ही उस राक्षस के सारे पाप नष्ट हो गए। शिवजी की महिमा को देखो, जो राक्षस वामदेव को खाने आया था वही आनंदित होकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वामदेव के शरीर पर जो भस्म लगी थी वही भस्म ब्रह्म राक्षस के लग गई, इसलिए ऐसा परिवर्तन आया। जब वह ब्रह्म राक्षस वामदेव के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, प्रभो, आपका स्पर्श करने भर से मुझे सुख मिल गया, अब आप कृपा करके मेरा उद्धार भी कर दें। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करेंगे तो मैं इस अधम शरीर से भी मुक्ति पा जाऊंगा। यह सुनकर वामदेव बोला, हे राक्षस, तुम किस पाप के कारण ब्रह्म राक्षस हो गए, यह बात तो बताओ। इस भयानक शरीर को पाकर भूख प्यास से तुम अत्यंत व्याकुल रहते हो, यह मैं देख रहा हूं। हे नारद, वामदेव की यह बात सुनकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, प्रभो, मैं इस जन्म से पहले 25वें जन्म में यवन देश का राजा था। मेरा नाम दुर्जन था। मैं बहुत ही पापी, अहंकारी, क्रोधी और बुद्धिहीन था। मैंने वेद शास्त्रों के अनुसार कोई काम नहीं किया। मेरे शत्रुओं ने मुझे दुर्बल मानकर मेरे राज्य पर चढ़ाई कर दी और मुझे राज्य से निकाल दिया। सारे बुद्धिमान मंत्री भी मेरा साथ छोड़ गए। उसी शोक में मेरी मृत्यु भी हो गई। जब यमराज के गण मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए, तब यम की आज्ञा से मुझे खून के कुएं में डाल दिया गया। इसके बाद मेरा पिशाच का जन्म हुआ। एक महाभयानक वन में जहां कोई प्राणी नहीं रहता था, यमराज ने मुझे जन्म दे दिया। वहां मैं 100 साल तक भूख प्यास से व्याकुल रहा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर मुझे तीसरे जन्म में सिंह, चौथे में अजगर, पांचवें में बिच्छू, छठे में सुअर, सातवें में गर्ग, आठवें में कुत्ता, नवें में फेरू, दसवें में बैल, ग्यारहवें में हिरण, बारहवें में बंदर, तेरहवें में भैंसा, चौदहवें में नेवला, पंद्रहवें में कौवा, सोलहवें में खच्चर, सत्रहवें में गधा, अठारहवें में बिल्ली, उन्नीसवें में बकरी, बीसवें में मछली, इक्कीसवें में चूहा, बाईसवें में मेंढक, 23वें में घुग्घू और 24वें जन्म में हाथी का शरीर मिला। हे ब्रह्मन, यह जो आप मेरा ब्रह्म राक्षस का शरीर देख रहे हैं वो मेरा 25वां जन्म है। इस शरीर को पाकर भी मैं अत्यंत दुखी हूं। मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और मैं दिन रात रोता रहता हूं। न जाने मैंने ऐसा कौन सा तीर्थ योग्य व्रत किया था जिससे मैं इस शुभ गति को प्राप्त हुआ कि आपके दर्शन हुए। हे नाथ, अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरा उद्धार करें। ब्रह्म राक्षस की यह बात सुनकर वामदेव ने कहा, ये सब भस्म की महिमा है। मेरे शरीर पर जो भस्म लगी थी उसका स्पर्श तुमने पाया और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए।
इस संबंध में एक कथा सुनाता हूं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण गौड़ देश में रहता था। महापापी, अधर्मी, चोर और मिथ्यावादी था। एक बार उस ब्राह्मण को बाकी लोगों ने मार डाला और जंगल में फेंक दिया। सुबह होने पर उसके मृत शरीर में किसी तरह भस्म लग गई, जिससे उसके मस्तक, भुजा और हृदय पर रेखाएं पड़ गईं। जब उसे लेने यमराज के गण आए तो उसी समय शिवजी के गणों ने भी वहां पहुंचकर यमदूतों को भगा दिया और उस ब्राह्मण को लेकर शिवजी के पास ले गए। तब यमराज स्वयं शिवगणों के पास पहुंचकर ऐसा पूछने लगे कि हे शिवगणों, तुम इस महापापी ब्राह्मण को हमारे दूतों से छुड़ाकर क्यों ले आए? हमें तो बहुत आश्चर्य है कि जिस ब्राह्मण ने चोरियां की और अंत में ऐसी बुरी मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो शिवलोक में क्या कर रहा है? शिवगणों ने कहा, हे यमराज, यह ब्राह्मण निष्पाप हो चुका है, क्योंकि इसके मस्तक, भुजा और हृदय में भस्म लग गई। भस्म लगते ही यह भाग्यवान हो गया। यह बात सुनाकर वामदेव ने कहा, ब्रह्म राक्षस भस्म को शिवजी के वस्त्र और आभूषणों के समान समझना चाहिए। सभी देवता, ऋषि मुनि भस्म लगाते हैं, इसीलिए तुम्हारी मुक्ति का कारण यह भस्म बन गई। यह कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भस्म के महामत्य को सुनकर जब ब्रह्म राक्षस के सारे पाप नष्ट हो गए, तब वो वामदेव के चरणों पर गिर गया और कहा, हे प्रभो, मेरे धन्य भाग हैं जो मुझे आज आपके दर्शन हुए और आपने मुझे इस जन्म से मुक्त किया। उसकी यह बात सुनकर वामदेव अत्यंत प्रसन्न होकर शिव गिरजा का स्मरण करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी झोली से थोड़ी सी भस्म निकालकर उसके माथे पर त्रिपुंड लगाया और सारे अंगों पर भी भस्म लगाई। भस्म के लगते ही ब्रह्म राक्षस के सारे पाप चले गए और वो शिव लोक जा पहुंचा और शिव गणों में शामिल हो गया। जो भी मनुष्य भस्म की इस महामत्य को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे दोनों लोकों में सुख मिलता है।